तो बच्चों हम कर रहे हैं सिक्स चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ अ डेरिवेटिव और आज हमारा टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। तो हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन टू ए कर्व एट गिवन पॉइंट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो व्हाट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए कर्व? टेंजेंट और नॉर्मल किसी कर्व के लिए क्या है, सबसे पहले हमने ये समझना है। मैंने एक यहाँ पे फंक्शन ले लिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब एक फंक्शन कोई भी ले लिया y एफ एक्स और ये इसका कर्व है। ये क्या इसका कर्व है? कोई भी अगर हम फंक्शन लेंगे तो उसको हम अगर ड्रा करेंगे तो कोई ना कोई हमारा एक कर्व ड्रा होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये मेरे पास एक कर्व बन गया है। अब टेंजेंट क्या चीज़ है? व्हाट इज टेंजेंट? मैं कर्व के ऊपर एक पॉइंट ले रहा हूँ पी, कोई पॉइंट ले लिया मैंने पी और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक्स कॉमा वाई आ गए। अब व्हाट इज टेंजेंट? इस पॉइंट से एक लाइन इसको शू के पास कर रही है, जस्ट टच कर रही है पी पॉइंट को और कहीं टच नहीं कर रही, सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है और लाइन इसको पास कर जा रही है। दिस इज टेंजेंट टू ए कर्व एट पॉइंट पी, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कोमा वाई। दिस इज टेंजेंट। समझा गया टेंजेंट क्या है? टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन, इट इज स्ट्रेट लाइन, इट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट, या हम ये बोल दें कि एक सिंगल पॉइंट किसी कर्व को वो टच करके पास करती है, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं टेंजेंट। ठीक, नेक्स्ट व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल है क्या? वैसे भी हम अगर डिक्शनरी में नहीं देखें नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल क्या है कि इस जो टेंजेंट लाइन के नॉर्मल एक लाइन है जो इसी पॉइंट से पास कर रही है पी से, और ये जो टेंजेंट है इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो दिस लाइन नोन एज नॉर्मल टू किसे कर्व, जो आपको कर्व गिवन है। कोई कर्व किसका हमने, कोई हमारे पास फंक्शन था उसका हमने कर्व ड्रा किया और कर्व जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ से वो टच कर रहा है इस पॉइंट पे ये आ गया नॉर्मल। तो समझ आ गया आपको कि एक्चुअल में टेंजेंट क्या है और नॉर्मल क्या है। और अगर देखा जाए तो ये जो नॉर्मल है ये एक स्ट्रेट लाइन भी है। क्या जी स्ट्रेट लाइन है? तो टेंजेंट भी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अब स्ट्रेट लाइन जो है उसकी इक्वेशन हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, एक पॉइंट है जहाँ से एक लाइन पास कर रही है और उस लाइन की जो स्लोप है वो है एम। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन? तो क्या हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है?
y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई x माइनस x नॉट। यहाँ पे जो x नॉट और y नॉट है ये पॉइंट है जहाँ से लाइन पास कर रही है, और उस लाइन की जो स्लोप है वो कितनी है m। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से सपोज करो x नॉट y नॉट यहाँ से पास कर रही है और इसकी जो स्लोप है वो m है, तो इस लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई x माइनस x नॉट। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, टेंजेंट की। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, टेंजेंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन भी है। मैंने आपको बताया कि जो टेंजेंट है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, बट क्या डिफरेंस है उसमें, हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। ये स्लोप किसकी है, स्ट्रेट लाइन की। अब हमारी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्या है, टेंजेंट, तो हमें स्लोप किसकी चाहिए, टेंजेंट की स्लोप चाहिए। किसकी चाहिए हमें, टेंजेंट की स्लोप। अब टेंजेंट की स्लोप हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास जो कर्व होगा उसका जो डेरिवेटिव करेंगे हम वो स्लोप हो गए टेंजेंट की। जैसे हमने पीछे y इज इक्वल टू एफ एक्स लिया हमने, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा जो भी वेरिएबल होगा वो हमें क्या देगा, स्लोप, किसकी स्लोप, टेंजेंट की। तो इक्वेशन ऑफ, वो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, वो हमने वो पॉइंट क्या माना था, एक्स वन वाई वन। अगर यहाँ पे एक्स वन वाई वन वो पॉइंट है जहाँ से टेंजेंट किसी कर्व को टच कर रही है, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और उस टेंजेंट की जो स्लोप है वो ये है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी, सेम यही, फर्क कहाँ पे आएगा, वाई माइनस वाई वन और एम यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन है। अब जब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। तो सिंपली कोई फर्क नहीं है, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपकी डिफाइन हो गई है टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, तो एक आपको पॉइंट चाहिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, देखो हमने ये एक कर्व लिया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ से एक टेंजेंट आपकी ऐसे जा रही है, फिर यहाँ ये हमने पॉइंट लिया पॉइंट एक्स वन वाई वन, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल। तो हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल हम कैसे फाइंड करेंगे, मैंने अभी बताया आपको, जब हमें कोई फंक्शन गिवन है उसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिलता है, जिसे हमने किससे डिनोट किया, डी वाई डी एक्स से। अगर एफ एक्स तो एफ डैश एक्स लिखते हैं, आप ये भी लिख सकते हो, अगर एफ एक्स फंक्शन है तो एफ डैश एक्स आ गया, उसका डेरिवेटिव आ गया। हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, हम फाइंड करना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये आपके पास टेंजेंट है और ये आपके पास नॉर्मल है, इन दोनों में
क्या प्रॉपर्टी है, क्या रिलेशन है इन दोनों में? दे आर कनेक्टेड बाई 90 डिग्री. इसका मतलब जो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप है उसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? दो लाइंस है, अगर द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्लोप? दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर है. ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था. तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया? देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल? हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ चल जाएगा? इसके अपॉन. तो मेरे पास क्या आ गया? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. और स्लोप ऑफ टेंजेंट आप कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? जो कर्व आपको गिवन होगा, जो फंक्शन आपको गिवन होगा, उसको आप डिफरेंशिएट कर दें, डी वाई डी एक्स फाइंड करें, तो वो क्या मिल जाएगा आपको? स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो यहाँ पे क्या आ गया? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो मेरे पास क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बनेगी? 1 अपॉन डी वाई डी एक्स. तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गई. हम फाइंड क्या करना चाहते थे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो इक्वेशन नॉर्मल क्या बन जाएगी? एक्स माइनस एक्स वन और सॉरी वाई माइनस वाई वन. क्या है मेरे पास फार्मूला? वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन. दिस इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन. तो अब आपकी लाइन क्या है? नॉर्मल. हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल. पॉइंट आपने क्या लिया हुआ? एक्स वन वाई वन, जहाँ से नॉर्मल पास कर रही है जिस पॉइंट से. तो मेरे पास क्या आएगा? वाई माइनस वाई वन और एम की जगह क्या आएगा? -1 अपॉन डी वाई डी एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन. दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. अब आपको क्या समझ आया? कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है उसके लिए हमें चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट और पॉइंट चाहिए. फार्मूला आपके पास ये है. अगर आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना चाहते हैं तो आपको चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल. और स्लोप ऑफ नॉर्मल आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट को आप क्या कर देंगे? माइनस और अपॉन में लिख देंगे, वो आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगी. और उसकी वैल्यू आप एम की जगह पे आप पुट कर दें तो आपको वो जो फार्मूला है ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. समझ आ गया? ठीक है, तो चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हमने स्लोप फाइंड करनी है टेंजेंट की. तो मेरे पास जो स्लोप है कर्व है वो दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स. और किस पॉइंट के ऊपर हमने फाइंड करनी है वो उसने गिवन है 2. एक्स की वैल्यू कितनी चाहिए? 2. तो आपने ये एक कर्व है, ये एक फंक्शन है, फंक्शन भी है और ये कर्व है. और इस कर्व का आपने क्या फाइंड करना है? तो स्लोप फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जो कर्व आपको गिवन है या कोई फंक्शन गिवन है आपने क्या करना, उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जो भी यहाँ पे वेरिएबल है. तो क्या बन गया इसका? डी वाई डी एक्स क्या हो गया? -1. तो दिस इज योर स्लोप ऑफ ए टेंजेंट टू ए कर्व. इस कर्व को, ये को कर्व है, मान लेते हैं ये जो कर्व है इस तरीके से इसकी डायग्राम आएगी. तो हमारे पास जो टेंजेंट है ये टेंजेंट है और इस टेंजेंट की जो स्लोप है वो ये बन गई, जिसे आप m से भी लिख सकते हैं. अगर आप लिखना चाहें तो आप m से भी लिख सकते हैं, इसका नाम m भी दे सकते हैं. लेकिन उसने पॉइंट भी गिवन हमें दिया तो हमने पॉइंट्स भी फाइंड करना है. तो पॉइंट में क्या करना है? आपने वैल्यू पुट कर देनी है. डी वाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 टू पावर 2 -1 कितना आ गया? 11. तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट कितने आ गई? 11.
ठीक है। नेक्स्ट देखें, अगेन फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें एक ना स्लोप फाइंड करनी है और हमें एक कर्व गिवन है एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस वन, और इसने कहा कि जो पॉइंट है वो है एक्स कोऑर्डिनेट दिया हो आपको, एक्स कोऑर्डिनेट दिया और वो कितना है टू है। तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब आपको क्या गिवन है एक्स की वैल्यू, और आप क्या फाइंड करना चाहते हैं इसका टेंजेंट का स्लोप। तो स्लोप क्या है डिफरेंशिएशन, निकालो डिफरेंशिएशन इसका। और आपको पॉइंट भी गिवन है, क्या पॉइंट दिया है कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है टू है। तो आप टू पुट कर दें यहाँ पे एट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू टू, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री टू पावर टू माइनस वन एंड इज इक्वल टू 11। तो दिस इज द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट टू ए कर्व एट विच पॉइंट वेयर एक्स कोऑर्डिनेट इज टू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। तो हमें एक कर्व दिया है एक्स इज इक्वल टू वन माइनस ए साइन थीटा और वाई इज इक्वल टू वी कॉस के थीटा, और थीटा की वैल्यू भी हमें गिवन है पाई बाई टू। तो हम फाइंड करना चाहते हैं नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या चाहिए, क्या होती है हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई डी एक्स। बट जो आपका यहाँ पे जो कर्व आपको गिवन है ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, इसमें एक थर्ड वेरिएबल भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया दैट इज थीटा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते थे कि डी वाई डी एक्स हमने फाइंड करना होता था और डी वाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स डी थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनका डी वाई डी थीटा और डी एक्स डी थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड करें जी डी वाई डी थीटा, तो y है आपके पास b cos square theta, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा v 2 cos theta और माइनस साइन थीटा, और आप इसे सिंप्लीफाई कर ले माइनस 2b cos theta मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, दिस इज योर डी वाई डी थीटा। अब आप फाइंड कर लें, क्या फाइंड करना आपने डी एक्स डी थीटा। तो हमारे पास x कितना है 1 माइनस a साइन थीटा, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे डी एक्स डी थीटा, वन आपका जीरो माइनस का माइनस ए और साइन थीटा का क्या बन जाएगा कॉस थीटा। तो हमारे पास डी वाई डी थीटा भी आ गया डी एक्स डी थीटा भी आ गया, हम फाइंड करना चाहते हैं डी वाई डी एक्स। तो मेरे पास आएगा फार्मूला डी वाई डी थीटा डी एक्स डी थीटा और ये बन गया माइनस टू बी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई माइनस ए कॉस थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल बेटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, और यहाँ पे बच गया टू बी अपॉन ए और यहाँ पे ऊपर साइन थीटा भी है। तो दिस इज डी वाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई, किस कोई पॉइंट एक्स वाई पे ये हमारा स्लोप है, लेकिन हमें पर्टिकुलर पॉइंट भी दिया है, हमें पर्टिकुलर पॉइंट क्या गिवन है पाई बाई टू। तो पर्टिकुलर पॉइंट आप पुट करें यहाँ पे डी वाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा साइन पाई बाई टू कितना होता है वन, तो हमारे पास सिंपल क्या आ गया टू बी अपॉन ए, और ये हमने क्या फाइंड किया है स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल में क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे आप लिखें स्लोप देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन
और यहाँ पे जो भी है 2b अपॉन a, आप फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर लें, माइनस a अपॉन 2b, दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट भी फाइंड करना सीख लिया और स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करना हमने सीख लिया। तो नेक्स्ट आपको एक और टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ना एक पॉइंट फाइंड करना है, एक कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x+5, ये कर्व की इक्वेशन है और इस कर्व पर आपने एक पॉइंट फाइंड करना है और उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो भी गिवन है आपको। क्वेश्चन कैसा बनेगा आपका, देखिए क्वेश्चन आपका कैसा होगा, ये एक कर्व है, सपोज करो ये जो y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x+5 है, ये कर्व ऐसा बनाते हैं, जस्ट मैं इमेजिन कर रहा हूँ, और एक पॉइंट फाइंड करना हमने बेटा। मैं इस पॉइंट को लेट कर लेता हूँ x, y, क्या पॉइंट कर लेता हूँ लेट x, y, इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट पास कर रही है ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। अब ये कह रहा है कि ये पॉइंट फाइंड करिए, कुछ आइडिया है कैसे कर सकते हैं हम? पॉइंट का मीनिंग आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको कर्व गिवन है और ये जो आपको टेंजेंट यहाँ से जो पास कर रही है इसके पॉइंट ऑफ कंटेक्ट से पी एक्स वाई जो हमने लेट कर लिया है, इसकी इक्वेशन भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, क्या हम इस कर्व की स्लोप फाइंड कर सकते हैं? ये जो कर्व हमें गिवन है क्या इसके स्लोप ऑफ टेंजेंट हम फाइंड कर सकते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं, कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर तो डिफरेंशिएट करो, देखो क्या आपके पास क्या बन गया। आप डिफरेंशिएट करें और आपको जो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट वो मिल गया 3x²-11 मिल गया आपको, बट आपको स्लोप ऑफ बट आपको गिवन क्या है, व्हाट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। और अगर आप देखें ध्यान से, ये एक स्ट्रेट लाइन भी है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है, सबसे स्ट्रेट लाइन। तो यहां से हम इस लाइन से क्या हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं? चलिए आपको याद दिला देते हैं कि y इज इक्वल टू mx+c हमने पढ़ा था, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन, और इस फॉर्म में अगर लिखा है तो ये m क्या है, जो x का मल्टीप्लाई है, स्लोप। तो क्या हम यहां से स्लोप फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ पे स्लोप क्या आ गई, स्लोप क्या आ गई 1। देखो कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx+c, y का y है, m यहाँ पे 1x है, प्लस c की जगह -11 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गई, स्लोप। अब देखो ये स्लोप किसकी है, टेंजेंट की, तो टेंजेंट कौन है, यही है, और ये स्लोप किसकी है, इसी लाइन की, तो दोनों स्लोप क्या हुई, इक्वली सेम चीज है या डिफरेंट है? क्या यहां से एक और टेंजेंट जा सकती है? एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट गुजरती है, एक से ज्यादा नहीं होगी। तो फिर ये जो आपने स्लोप फाइंड किया है इसी लाइन की, इसी टेंजेंट की फाइंड किया है, लेकिन आपने फाइंड किया कर्व को डिफरेंशिएट करके, जो हमारे पास मेथड था, हमें इक्वेशन भी गिवन थी, हमने इक्वेशन से इसकी स्लोप भी फाइंड कर ली। अब ये वाली जो स्लोप है और ये वाली जो स्लोप है, ये दोनों क्या है, सेम है, ये सेम थिंग, तो इक्वल कर दो इसको, तो मेरे पास क्या आ गया,
therefore 3x square minus 11 is equal to 1, 3x square is equal to 12, x square is equal to 4, x is equal to plus minus 2. तो आपको यहाँ पे x की दो वैल्यू मिल गई, एक 2 और एक माइनस 2. तो हमने पॉइंट फाइंड करना था, हमने क्या फाइंड करना था, पॉइंट फाइंड करना था. तो अब x एक पॉइंट आ गया, मतलब एक पॉइंट नहीं, एक कोऑर्डिनेट आ गया, y निकालना. अब y कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से मिल सकता है और यहाँ से मिल सकता है. तो यहाँ से आसान है, तो क्या आएगा, इफ़ x इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव है तो y की वैल्यू क्या जाएगी, 2 माइनस 11 दैट इज माइनस 9, और इफ़ x इज इक्वल टू माइनस 2 y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 3. तो आपके पॉइंट्स क्या बन गए, पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट्स क्या बन गया, पहला पॉइंट 2 कॉमा माइनस 9 और दूसरा माइनस 2 माइनस 13. तो अब ये जो टेंजेंट है इस कर्व को दो पॉइंट के ऊपर टच करके निकल रही है. अब कैसे, मैंने तो कहा ये एक ही पॉइंट से जाएगी, तो हो सकता है, हो सकता है कि ये जो कर्व है ना ऐसा हो, समझ गए. तो यहाँ से भी एक यही लाइन जो है यहाँ कहीं टच कर रही है, दो पॉइंट पे होगी, कर्व ऐसा हो सकता है. ये जस्ट मेरी इमेजिनेशन है, एग्जैक्ट अगर हम देखना चाहें तो डेसिमोस में देख सकते हैं हम, जो कल बताया था आपको, वहाँ से लग जाना पता है क्या. तो ये एक टेंजेंट जैसे गुजर रही है तो ये दो पॉइंट से पास कर रही है, एक पॉइंट जो है वो 2, -9 होगा और दूसरा -2, -13. पॉइंट निकालना आ गया, ठीक है जी. चलिए, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है. तो पहले हमने क्या सीखा, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना, और फिर हमने पॉइंट फाइंड करना सीखा कि हम पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं. अब हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन. हमने फाइंड करना है इक्वेशन टेंजेंट और नॉर्मल की, किसकी इक्वेशन चाहिए, टेंजेंट और नॉर्मल की. और आपको जो कर्व है उसकी इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, ये स्क्वायर है, और माइनस 10x प्लस 5, और पॉइंट गिवन है 0,5, ठीक है जी. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और पॉइंट चाहिए जहाँ से वो टेंजेंट पास कर रही है. पॉइंट आपके पास है 0,5, पॉइंट आपको गिवन है. अब आपने क्या फाइंड करना है, ओनली स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करें, तो करें इसका डिफरेंशिएशन. तो मेरे पास आ गया dy/dx 4x³ 18x² प्लस 26x और -10. दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट हमें पॉइंट भी गिवन है, तो पॉइंट यहाँ पुट कर दो. तो एट 0,5, तो dy/dx क्या बन जाएगा बेटा, जब मैं ये पॉइंट रख दूंगा 0,5 इसमें, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आपको क्या गिवन है, पॉइंट क्या है, x 0 है और y कितना है 5, तो x 0 पुट कर दो सब में, कितना आ गया माइनस. दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, टू ए कर्व. तो क्या फाइंड करना चाहते थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो क्या बन गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन. एम यहाँ पे क्या, y वन एक्स वन और y वन क्या है यहाँ पे, ये x1 और ये पॉइंट है गिवन, तो क्या आ गया 5 इज इक्वल टू
एम, एम मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है माइनस टेन, और एक्स माइनस ज़ीरो, और मेरे पास बन जाएगा वाई माइनस फाइव माइनस टेन एक्स, और टेन एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, और ये लाइन भी है, स्ट्रेट लाइन भी है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन ही है ना, बट इसकी डेफिनेशन हमने इसको इम्प्रूव कर दिया कि ये अब टेंजेंट भी है, किसी कर्व को किसी एक पॉइंट पे ये टच करके गुजर रही है। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, हाँ जी, अब हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो कहाँ से आपको मिलेगी, अगर आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो उसको रेसिप्रोकल कर दो और माइनस लगा दो, तो आपके पास क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आप रेसिप्रोकल कर दें इसका, अपॉन में चला जाएगा और साथ में क्या लगाएंगे माइनस, सॉल्व कर दें तो क्या बन गया वन अपॉन टेन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो क्या बन गया, यही फार्मूला जो यह लिखा वाई माइनस वाई वन, तो वाई वन क्या है फाइव, और एम क्या है वन अपॉन, और एक्स माइनस ज़ीरो। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये टेन जो है सभी इक्वेशन सारी जो जो इस इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड टेन से मल्टीप्लाई कर दो, ये टेन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आ गया जी टेन वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू एक्स, और बन गया टेन वाई माइनस फिफ्टी एक्स, तो सब उधर ले जाओ, एक्स माइनस टेन वाई प्लस फिफ्टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। तो आई थिंक आपको कोई इसमें दिक्कत आई है, कोई मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सिंपल क्वेश्चन, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है इस एक्सरसाइज में, और उसके लिए हमें पता है हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट से हमें क्या मिल जाता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाता है, ठीक है जी। तो आप प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, और आई थिंक आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पे इस एक्सरसाइज का सारे सॉल्यूशन मैंने बना रखे हैं, लेकिन फिर बोल रहा हूँ कि वो आपने सॉल्यूशन देखने नहीं है, ये नहीं कि उसको देखा और क्वेश्चन करना, जस्ट रेफरेंस के लिए यूज़ करो, पहले खुद करो, अगर कहीं फंस जाते हो फिर वहाँ उतना ही वीडियो सुनो भी, उसमें हमने मैंने क्या बात कही है कि जो आपको नहीं समझ आ रही, ठीक है जी।